नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा किन किन अंगों से बाहर निकल सकती है। वैसे तो इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक ना एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों को मरते समय आँखें उलट जाती है तो कुछ का मुँह खुला रह जाता है, वहीं कुछ लोग मरते समय मल मूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में गरुड़ पुराण में काफ़ी कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहाँ हम जानते हैं उनके इन बातों का जवाब। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के कुल 9 द्वारों से किसी भी शरीर से छोड़ सकती है। ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नसिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण निकाल का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता है। पापी व्यक्ति के इस तरह से निकलते हैं प्राण। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण का कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यम दूतों को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है, इसलिए उलट जाती है इंसान की आँखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित हैं और जीने की बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी कभी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाह कर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते, फिर भी यमराज के दूत बलपूर्वक उसके प्राण निकालते हैं और ऐसे में उनके प्राण आँखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आँखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है और नाक से प्राण निकलना भी बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वीडियो अगर की जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।